ये जो आप सिंहासन देख रहे हैं इस पर कौन विराजमान होगा 13 मई को साफ होगा। आज वोटिंग खत्म हो चुकी है कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए, लेकिन बात और बारी है एग्जिट पोल की। एग्जिट पोल में क्या बयां हो रहा है वो हम आपको बताएंगे। आपको बताएं कि विधानसभा चुनाव के नतीजे एग्जिट पोल में बीजेपी कांग्रेस में कांटे की टक्कर नजर आ रही है। 13 मई को आएंगे विधानसभा चुनाव के नतीजे, लेकिन एग्जिट पोल की बात करें तो एग्जिट पोल में बीजेपी कांग्रेस में कांटे की टक्कर है। अब तक के एग्जिट पोल में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आई है। कर्नाटक में किंग मेकर की भूमिका निभा सकती है जेडीएस, जो कि 2018 में भी देखने को मिला था। तो देखिए, मतदान खत्म हो चुका है, कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग संपन्न हो चुकी है, लेकिन बारी एग्जिट पोल की है। एग्जिट पोल आपको बताएंगे कि किस के अनुसार, कौन से एग्जिट पोल के अनुसार कौन सी पार्टी आगे चल रही है। एग्जिट पोल में बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर है। हालांकि कर्नाटक चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस में ही कड़ा मुकाबला देखने को मिला है। और चलिए बात एग्जिट पोल की कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले एबीपी सी वोटर का एग्जिट पोल दिखाते हैं और वो क्या बयां कर रहा है। अपनी टीवी स्क्रीन पर आप नजर दौड़ाएंगे तो आपको नजर आएगा सबसे पहले बात एबीपी सी वोटर की। भारतीय जनता पार्टी को 83 से 95 सीटें मिलती हासिल हो रही है। कांग्रेस की बात करें तो देखिए, अच्छी खासी बढ़त कांग्रेस ने हासिल की है। एग्जिट पोल के मुताबिक 100 से 112 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिल रही है। जेडीएस की बात करें तो जेडीएस को 21 से 29 सीटें मिल रही है, अन्य को 2 से 6 सीटें मिल रही हैं। यानी कि सबसे बड़ी पार्टी बनकर कांग्रेस पार्टी उभर रही है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से यह दावा भी किया जा रहा था कि इस बार हम सिंहासन पर विराजमान होंगे, लेकिन अभी तक जो एग्जिट पोल एबीपी सी वोटर का बता रहा है वो ये है कि कांग्रेस पार्टी को 100 से 112 सीटें मिल रही है। आपको बताएं कि 2018 में कांग्रेस पार्टी को 80 सीट मिली थी और तब से लेकर आज का अगर आप एग्जिट पोल देखेंगे तो 100 से 112 सीटें मिल रही है, लेकिन यहां पर बहुमत का आंकड़ा भी कांग्रेस को नहीं मिल रहा है। तो क्या जेडीएस किंग मेकर की भूमिका निभाने वाली है, यह बड़ा सवाल है। हालांकि आगे जाकर यह पता चलेगा। चलिए आप एबीपी सी वोटर के बाद आपको आज तक का एग्जिट पोल बताते हैं। आज तक के एग्जिट पोल के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को 62 से 80 सीटें मिल रही हैं। कांग्रेस यहां पर भी बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, 122 से 140 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिल रही है यहां पर। हालांकि आज तक के एग्जिट पोल के मुताबिक कांग्रेस को बहुमत मिल रहा है, लेकिन यहां पर जेडीएस की बात करना बहुत जरूरी है। 20 से 25 सीटें जेडीएस को मिल रही है, अन्य के खाते में जा रहा है 0 से 3 सीटें। अन्य का यहां पर ज्यादा अच्छा प्रदर्शन नहीं है, लेकिन बात अब कांग्रेस की करते हैं क्योंकि कांग्रेस को अभी तक सबसे ज्यादा सीटें मिल रही है कर्नाटक में एग्जिट पोल आपको बता रहे हैं। हालांकि आज तक का ये एग्जिट पोल है, भारतीय जनता पार्टी को काफी नुकसान हो रहा है क्योंकि कर्नाटक का रिवाज रहा है जो कि हर बार बदल जाता है। तो क्या यहां पर राज और रिवाज दोनों बदलने वाला है, क्या कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने वाली, क्योंकि एग्जिट पोल तो यही बता रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छी खबर नहीं, लेकिन कांग्रेस की यहां पर बल्ले बल्ले होते हुए नजर आ रही है क्योंकि कांग्रेस पार्टी को यहां अच्छा खासा यहां एग्जिट पोल के मुताबिक अनुमान जो लगाया जा रहा है अच्छी खासी सीट कांग्रेस पार्टी को मिल रही है। तो जेडीएस पर हर किसी की नजर, क्या किंग की भूमिका में एक बार फिर से जेडीएस नजर वाली आने वाली है। मेट्राइस के अनुसार आपको बता दें कि क्या बयां कर रहा है एग्जिट पोल, तो देखिए ये भारतीय जनता पार्टी को 79 से 94 सीटें दे रहा है। कांग्रेस पार्टी यहां पर भी सबसे ज्यादा वोट पाती हुई नजर आ रही है, 103-118 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिल रही है मेट्राइस के अनुसार। जेडीएस की बात करें तो 25 से 33 सीटें, हालांकि 2018 में जेडीएस को 37 सीटें मिली थी, 37 सीटें जेडीएस को मिली थी 2018 में। अन्य की बात करें तो 2 से 5 सीटें अन्य को मिलती हुई नजर आ रही है। यहां कड़ा मुकाबला था, लेकिन वोटिंग खत्म होने के बाद एग्जिट पोल जो कह रहा है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी को 79 से 94 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 103 से 118 सीटें, जेडीएस को 25 से 33 सीटें मिल रही है, अन्य के खाते में जा रहा है 2 से 5 ये सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। तो ये मेट्राइस का एग्जिट पोल है, आपने देखा इससे पहले एबीपी सी वोटर का। आज तक का आपको एग्जिट पोल दिखाया तो उसमें भी कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। चलिए अब बदलते हैं ये आंकड़ा और अब बात करते हैं रिपब्लिक टीवी एग्जिट पोल की। रिपब्लिक टीवी एग्जिट पोल के अनुसार भारतीय जनता पार्टी को 85 से 100 सीट, कांग्रेस को 94 से 108 सीट, जेडीएस को 24 से 32 सीट और वहीं अन्य को 2 से 6 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अभी तक आपने जितना एग्जिट पोल देखा, आपने
देखा होगा कि सबसे बड़ी पार्टी बनकर कांग्रेस ही उभरती हुई नजर आ रही है, यानी कि जो दावा जो उम्मीद कांग्रेस पार्टी की थी वो कहीं ना कहीं पूरी होती नजर आ रही है। तो क्या ये एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल में 13 मई को बदलता हुआ नजर आता है? क्योंकि अगर यही आंकड़ा बरकरार रहता है तो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरने वाली है कांग्रेस पार्टी, लेकिन यहाँ पूर्ण बहुमत कांग्रेस पार्टी को नहीं मिल रहा है अभी तक के एग्जिट पोल के मुताबिक। तो क्या एक बार फिर से, हालांकि जेडीएस की कोशिश रही है कि वो किंग मेकर बने, और अगर किंग मेकर जेडीएस बनती है तो वो किसके साथ जाएगी? क्या एक बार फिर से कांग्रेस के साथ जाएगी जेडीएस अगर किंग मेकर बनती है, या फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना पसंद करेगी जेडीएस? लेकिन अगर जाती है तो फिर आंकड़ा उस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को भी चाहिए होगा। रिपब्लिक टीवी का एग्जिट पोल आपने जान लिया, अब आपको बताते हैं टाइम्स नाउ का एग्जिट पोल। टाइम्स नाउ का एग्जिट पोल जो बयां कर रहा है वो ये, भारतीय जनता पार्टी को 78 से 92 सीटें मिल रही है, कांग्रेस को 106 से 120 सीटें, जेडीएस को 20 से 26 सीटें मिल रही है, अन्य को 2। लेकिन यहां पे आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो रहा है काफी सीटों का, लेकिन जेडीएस को भारी नुकसान हो रहा है। वो इसलिए क्योंकि 37 सीटें 2018 में जेडीएस ने हासिल की थी और किंग मेकर की भूमिका निभाई थी, कुमार स्वामी मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन यहां पर अगर मौजूदा हालात की बात करें और आज एग्जिट पोल की हम बात कर रहे हैं, तो टाइम्स नाउ के अकॉर्डिंग, टाइम्स नाउ के अनुसार जेडीएस को 20 से 26 सीटें महज मिल रही है, काफी ज्यादा सीटों का नुकसान हो रहा है जेडीएस को। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का भी ये देखिए किस तरीके से इसका गिरा है, किस तरीके से यहां वोटों में कमी नजर आई है, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी वो 104 सीटें 2018 में लाई थी उसे इस समय एग्जिट पोल के मुताबिक 78 से 92 सीटें मिल रही है, सबसे बड़ी पार्टी अभी तक एग्जिट पोल के मुताबिक। टाइम्स नाउ का एग्जिट पोल आपको हम बता रहे हैं 106 से 120 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिल रही है, लेकिन फिर भी बहुमत नहीं है क्योंकि 224 पूरा 224 का आंकड़ा है, विधानसभा चुनाव 224 सीटों पर हुए हैं। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं, न्यूज एक्स जन की बात का आपको एग्जिट पोल बताते हैं। भारतीय जनता पार्टी 94 से 117 सीटें जिसको मिलती हुई नजर आ रही है न्यूज एक्स के अकॉर्डिंग। कांग्रेस की बात कर रहे हैं तो कांग्रेस को 91 से 106, और देखिए यहां पर जो मुकाबला है वो बड़ा टक्कर का मुकाबला नजर आ रहा है क्योंकि उतार चढ़ाव लगातार देखने को मिला। लेकिन फिर भी अभी तक आपने जितना एग्जिट पोल देखा उसके मुताबिक कांग्रेस ही सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। न्यूज एक्स जन की बात के अनुसार जेडीएस को 14 से 24 सीट मिल रही है, अन्य के खाते में जा रही है महज 2 सीटें। तो भारतीय जनता पार्टी को 94 से 117 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 91 से 106 सीटों का अनुमान। हालांकि न्यूज एक्स जन की बात के अकॉर्डिंग यहां पर आप भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का आंकड़ा देखेंगे तो ज्यादा आपको अंतर नजर नहीं आएगा, यहां पर कुछ ही वोटों का फासला नजर आएगा। लेकिन जेडीएस को काफी नुकसान, 14 से 24 सीटें जो जेडीएस 37 सीटें लाई थी उसको महज 14 से 24 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। अब बदलते हैं टैली और न्यूज 18 एग्जिट पोल आपको बताते हैं। न्यूज 18 एग्जिट पोल के अनुसार भारतीय जनता पार्टी को 88 से 98 सीटें मिल रही है, कांग्रेस पार्टी को 99 से 109 सीटें मिल रही है, जेडीएस को 21 से 26 सीटें मिल रही है, अन्य की बात करें तो 0 से 4 सीटें अन्य के खाते में जा रही है। तो ये इफेक्ट किसका है, इफेक्ट किसका है? जिस तरीके से अब 40% पे सीएम का नारा कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगाया गया था, इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से भुनाया गया था कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है इस बार, रोजगार विकास भ्रष्टाचार की बात कांग्रेस पार्टी कहती हुई नजर आई। आपको बताया कि 5 वादे कांग्रेस पार्टी लेकर आई और कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हमारी सरकार बनते ही पहली कैबिनेट मीटिंग में हम वो 5 वादे पूरे करेंगे, बेशक हमें आप शपथ दिला लीजिए। तो क्या उसका ये इफेक्ट है? लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जिस तरह से काउंटर किया गया बजरंग बली को लेकर अब यहां पर, तो क्या बजरंग बली का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिल रहा है? चलिए अब बदलते हैं टेली न्यूज नेशन CGS का एग्जिट पोल क्या कह रहा है। ये न्यूज नेशन CGS का एग्जिट पोल के अनुसार बीजेपी को 114 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 86, जेडीएस को 21 और अन्य को 3 सीटें मिलती हुई दिखाई जा रही है न्यूज नेशन CGS के अकॉर्डिंग। और यहां पर न्यूज नेशन के अकॉर्डिंग बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस पार्टी को महज 86 वोट मिलते हुए नजर आ रहे हैं, जेडीएस को 21, अन्य को 3 सीटें मिल रही है। तो यहां पर न्यूज नेशन CGS के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी
पार्टी बनकर उभर कर सामने आ रही है। तो क्या ये जो अलग अलग एग्जिट पोल आपने देखे, कुछ एग्जिट पोल में कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती हुई नजर आए, लेकिन न्यूज नेशन CGS का एग्जिट पोल भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी करार दे रहा है, क्योंकि सिर्फ कांग्रेस को 86 वोट ही दिए जा रहे हैं न्यूज नेशन CGS एग्जिट पोल में। JDS का आंकड़ा आप देखेंगे तो ज्यादा बेहतर नहीं है, 21 सीटें सिर्फ JDS को मिल रही है, अन्य को 3। चलिए अब टैली बदलते हैं, पोल्स स्ट्रेट के अकॉर्डिंग आपको बताते हैं, यहां भारतीय जनता पार्टी को 99 से 109 सीटें मिल रही है, कांग्रेस पार्टी को 88 से 98 सीटें मिल रही है, JDS का आप देख रहे हैं जितनी भी टैली अभी तक हमने आपको दिखाई, उसमें आप देखेंगे 21 से 26 और 21 से 30 के बीच में ही JDS को वो आंकड़ा मिलता हुआ नजर आ रहा है। अन्य की बात करें तो 4 सीटें अन्य के खाते में जा रही है, लेकिन पिछली बार से इस बार JDS को नुकसान झेलना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी यहां JDS किंग मेकर की भूमिका में नजर आने वाली है। अभी तक एग्जिट पोल ये बयां कर रहा है, तो देखिए 99 से 109 सीटें भारतीय जनता पार्टी को, कांग्रेस को 88 से 98 सीटें मिल रही है, JDS को 21 से 26 सीटें, तो वही अन्य की बात कर रहे हैं तो अन्य के खाते में महज 4 सीटें। अब टैली बदलते हैं, अगले एग्जिट पोल आपको दिखाते हैं, हालांकि ये देखिए अब इकट्ठा आपको दिखाते हैं किस एग्जिट पोल के अनुसार किस पार्टी को कितना वोट मिलता हुआ नजर आ रहा है। रिपब्लिक टीवी का सबसे पहले बात करें, भारतीय जनता पार्टी को वो दे रहा है 85 से 100 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 94 से 108 सीटें, JDS को 24 से 32 सीटें, अदर्स को 2 से 6 सीटें। आगे बढ़ेंगे तो न्यूज 18 के एग्जिट पोल की बात करते हैं, और न्यूज 18 का एग्जिट पोल 88 से 98 नजर आ रहा है भारतीय जनता पार्टी को देता हुआ, कांग्रेस पार्टी को आप देखेंगे तो 99 से 109, JDS को 21 से 26 सीटें मिल रही है, अदर्स के खाते में जा रही है महज 4 सीटें। ज्यादा बदलाव नहीं है यहां पर, कांटे की टक्कर और कड़ा मुकाबला, ज्यादा फासला नहीं नजर आ रहा है। चलिए टाइम्स नाउ एग्जिट पोल की बात कर लें, तो देखिए ये जो बता रहा है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी को 78 से 92 सीटें दे रहा है, कांग्रेस को 106 से 120 सीटें दे रहा है, और JDS को 20 से 26 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है टाइम्स नाउ के अनुसार, और वहीं अदर के खाते में सिर्फ 2 सीटें। न्यूज एक्स जन की बात करें, 94 से 117 सीटें भारतीय जनता पार्टी को, हालांकि ये ज्यादा दिखा रहा है अब यहां पर इस न्यूज एक्स जन की बात के अनुसार भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती हुई नजर आ रही है, लेकिन कांग्रेस को 91 से 106 सीट दी जा रही है, JDS को 14 से 24 सीटें, अन्य के खाते में जा रही है 2 सीटें। ये कुल मिलाकर ये आपको 4 एग्जिट पोल हमने आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाया, अभी आंकड़ा बदलेगा। अभी देखिए दूसरे एग्जिट पोल की बात करें तो एबीपी सी वोटर की बात कर ले तो 83 से 95 सीटें भारतीय जनता पार्टी को, कांग्रेस की 100 से 112 सीटें, ये कांग्रेस को सबसे बड़ी पार्टी बता रहा है एबीपी सी वोटर, JDS को 21 से 29। आप देखेंगे अभी तक टैली आपने देखी तो JDS का जो आंकड़ा है वो 21 से 30 के बीच में ही सिमटता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन फिर भी किंग मेकर की भूमिका में कहीं ना कहीं JDS नजर आ रही है। अदर्स की बात कर ले तो 2 से 6 सीटें अदर को मिल रही है, आज तक का एग्जिट पोल ये बयां कर रहा है कि 62 से 80 सीटें, महज 62 से 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी को आज तक का एग्जिट पोल दे रहा है। अगर अब कांग्रेस की बात करें तो आज तक के एग्जिट पोल के अनुसार 122 से 140 सीटें कांग्रेस पार्टी को, 20 से 25 सीटें JDS को, महज 3 सीटें अदर्स के खाते में जा रही है आज तक के एग्जिट पोल के मुताबिक। मेट्राइस की बात करें तो यहां पर 79 से 94 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दी जा रही है, कांग्रेस को 103 से 118 सीटें, और यहां JDS को 25 से 33 सीटें, तो वहीं अदर्स के खाते में 2 से 5 सीटें जा रही है। न्यूज नेशन CGS की बात कर ले तो भारतीय जनता पार्टी को 114 सीटें, 86 सीटें कांग्रेस पार्टी को, 21 सीटें JDS को, और 3 सीटें अदर के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अब आप सभी की टैली एक साथ अगर देखेंगे, वॉच करेंगे, तो आप देखेंगे कि सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी ही बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि 100 से ज्यादा सीटें इस टैली के अनुसार कांग्रेस पार्टी को मिल रही है।